बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने वीवर्स के लिए आज मैं आप सबके लिए आलू और चिकन से बनने वाले स्नैक्स की इतनी सिंपल सी और इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए ना तो ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। स्पेशली ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए ईद के हवाले से लेकर आई हूँ कि आप अपने प्यारों के लिए ईद पर बनाएँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, और शामी टिक्कियों को भूल जाएँ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी छोटी सी वीडियो को फुल वॉच करेगा ताकि आपकी मेहनत और पैसे ज़ाया ना हो। अब यहाँ पर मैंने 3 चम्मच ऑयल लिए हैं और इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक कटिंग करके ऐड कर दिया और इसको 1 मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना। अब इसमें 2 मैंने सब्ज़ बारीक कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसके बाद मैंने सब्ज़ प्याज होता है उसके मैंने पत्ते इसमें बारीक कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। सिर्फ 1 मिनट इसको फ्राई कर लें। अब इसमें 1 चम्मच दड़ा मिर्च ऐड की है और 1 चम्मच नमक ऐड किया है और 1 चम्मच ही पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। 1 चम्मच चाट मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। 2 चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए बस भून लेंगे। मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें 1 कप मैंने श्रेडेड बॉईल करके चिकन ऐड कर दिया है। इसमें आप चिकन की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद ब्रेड के स्लाइसिस लिए थे और उसको 1/2 कप दूध में भिगो कर रख दिया था। अब इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद फ्राई पैन में इसको ऐड कर दें। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि जो ब्रेड में एक्स्ट्रा दूध था वो सूख जाए। अब यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं जिसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 2 अदद उबले हुए आलू लिए थे, इसको भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्राई हो चुका है, इसमें 2 चम्मच पानी के ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें उबले हुए आलू जो मैश करके रखे थे इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हमने बस तब तक पकाना है जब तक ये हमारा मटेरियल जो है ये फोल्ड होने लग जाए। अब यहाँ पर देखें मटेरियल फोल्ड होने लग गया है, इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होगा तो बाउल में शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर मैंने हाथों पर ऑयल ग्रीस कर लिया। अब इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी शेप दे दें। मैंने इसको ओवल शेप दी है और इतने मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हो जाएंगे और इतने से मटेरियल से कम अज़ कम 15 से 16 अदद हमारे स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। अब इसे टी टाइम के तौर पर भी ईद पे और अफ्तारी के लिए लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी और झटपट में बन जाती है। अब यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया है, इसमें 2 की नमक ऐड किया है और इसको पहले अंडे में डिप करेंगे और होममेड ब्रेड क्रम्स है इसमें डिप करके तो सारे इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर मुझे जितने चाहिए थे उनको मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये बाकी फ्रीज़ कर लूँगी और ये फ्राई कर लूँगी, ज़रूरत पड़ने पर इनको बाद में हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल को गरम कर लेंगे और 1 बाय 1 सारे स्नैक्स इसमें ऐड करते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे क्योंकि चिकन और आलू पहले से गल चुके हैं, जस्ट हमने फ्राई करना है और कलर देना है। तो एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन कर लें। जैसा गोल्डन कलर आने पर इसको हमने उतार लेना है। तो मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। इसको केचप और टी के साथ सर्व करें। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। जो न्यू व्यूवर्स मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लिया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और पुराने व्यूवर्स भी अच्छे से कमेंट्स करें और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक लाजमी शेयर करें। तारी और ईद पर लाजमी रेसिपी ट्राई करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।